गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नेशनल इंटर कॉलेज सिधौली सीतापुर की ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेस में मैं अजय गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12 की बायोलॉजी के बारे में, बायोलॉजी के टॉपिक मानव स्वास्थ्य एवं रोग के बारे में आप लोगों को बताएंगे और इस वीडियो के माध्यम से आपको मनुष्य में होने वाले विभिन्न प्रकार के रोगों के बारे में भी बताया जाएगा। वीडियो को ध्यान से देखेंगे और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करेंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। जैसे कि नाम से पता चल रहा है आपको कि इस टॉपिक के अंतर्गत मनुष्य में होने वाली विभिन्न प्रकार की बीमारियों तथा उनके लक्षणों व उपचार के बारे में बताया जाएगा। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं मनुष्य में होने वाले मनुष्य में जीवाणुओं द्वारा होने वाले कुछ लोग अर्थात मनुष्य में जीवाणुओं अर्थात बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले प्रमुख रोग, तो उसमें मनुष्य में जीवाणुओं द्वारा होने वाले कुछ प्रमुख रोग निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है इसमें टाइफाइड, टाइफाइड अर्थात इसको कहते हैं मियादी बुखार। सबसे पहले यह जानना होगा कि यह रोग किस जीवाणु के द्वारा होता है। तो मनुष्य में यह रोग साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के संक्रमण से होता है। यह जीवाणु दूषित जल या भोजन के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर जाता है, जिसके कारण व्यक्ति को टाइफाइड रोग हो जाता है। इस रोग के लक्षण क्या हैं? कि इस रोग में मनुष्य को, उस व्यक्ति को भूख नहीं लगती है और वेद का तापमान 45 से 40 डिग्री तक अधिकतम हो जाता है और इसके अलावा उसका थकान महसूस होती है और वह व्यक्ति कमजोरी अर्थात वीकनेस भी फील करता है। अब इसके लिए सबसे जरूरी क्या है कि इसके लक्षण क्या हैं? कि शरीर में लगातार बुखार बने रहना, कमजोरी व भूख न लगना व्यक्ति
व्यक्ति को थकावट महसूस होना। टाइफाइड रोग के लिए विडाल परीक्षण द्वारा यानी विडाल टेस्ट कराया जाता है, जिसके द्वारा टाइफाइड रोग का पता चल जाता है और इसका उपचार किया कर दिया जाता है। इसके पश्चात अगला रोग है निमोनिया। यह मनुष्य में दूसरा जीवाणु जनित रोग है, अर्थात बैक्टीरियल डिजीज है। यह रोग स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के संक्रमण से होता है। इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं कि इस रोग में क्या होता है, फेफड़ों की अर्थात लंग्स की वायु कोष्ठक जो होते हैं वो प्रभावित होते हैं, जिसमें व्यक्ति को खांसी, ठिठुरन आदि समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और यह अधिकतर यह रोग छोटे बच्चों या नवजात शिशुओं में होता है। इसमें के पश्चात तीसरा नंबर है पालरा हैजा या कॉलरा। मनुष्य में यह रोग विब्रियो कॉलरी जीवाणु का नाम है विब्रियो कॉलरी नामक जीवाणु के संक्रमण से होता है। यह जीवाणु मक्खियों इत्यादि यानी दूषित भोजन अर्थात और जल से जीवाणु मनुष्य के आहार नाल में अर्थात आंतों में पहुंच जाते हैं, जिसके कारण व्यक्ति में उल्टी दस्त पेट दर्द आदि लक्षण प्रकट होते हैं। इस रोग में सबसे गंभीर समस्या यह है कि इसमें बॉडी से डिहाइड्रेशन अत्यधिक मात्रा में हो जाता है। डिहाइड्रेशन का मतलब है जल की कमी अर्थात पानी की कमी हो जाती है शरीर में। इसको कहते हैं अतिसार, यानी अतिसार इतना बढ़ जाता है कि कई लीटर पानी व्यक्ति का शरीर से निकल जाता है, जिसके कारण उसके शरीर में डिहाइड्रेशन अर्थात पानी की कमी हो जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है उसकी त्वचा गीली पड़ जाती है। तथा व्यक्ति का मुंह भी सूखने लगता है, जिसके लिए इसके उपचार के लिए ग्लूकोज तथा अन्य साल्ट यानी जो भी लवर होते हैं उनको चढ़ा करके या दे करके व्यक्ति की जड़ या व्यक्ति को व्यक्ति का इलाज किया जाता है। साथ में कुछ एंटीबायोटिक औषधियां भी दी जाती हैं, एंटीबायोटिक औषधियां भी दी जाती हैं और व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। अत्यधिक
समय से उपचार या समय पर उपचार न मिलने से व्यक्ति की जान भी जा सकती है। अगला इसका अगला जो आपके अगला रोग है क्षय रोग अर्थात ट्यूबरकुलोसिस। यह रोग भी मनुष्य में जीवाणुओं के संक्रमण से होता है तथा ये एक घातक रोग माना जाता है क्योंकि यह एक प्रकार का संक्रामक रोग भी है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के से एक दूसरे व्यक्ति में बहुत तीव्रता से फैलता है। इसके लिए सबसे पहले इस रोग के जीवाणु का नाम आपको पता होना चाहिए। इस रोग के जीवाणु का नाम है माइको बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। कोई भी बीमारी पूछी जाती है तो सबसे पहले उसके जीवाणु का नाम या उसके कारक का नाम फिर उसके लक्षण एवं उसका उपचार बताया जाता है। तो सबसे पहले आप जान गए होंगे कि टीबी इसका शॉर्ट में क्या कहते हैं टीबी भी कहते हैं सामान्य इसका नाम है टीबी या क्षय रोग या जीवाणु का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अब इस रोग के लक्षण क्या है कैसे संक्रमित होता है देख लीजिए आप लोग। सबसे पहले मनुष्य में यह रोग जीवाणुओं के द्वारा फेफड़ों को सबसे पहले संक्रमित करते हैं। फेफड़ों में संक्रमण के कारण व्यक्ति को खांसी खांसी के साथ बलगम अर्थात कफ आना कफ आता है कफी के साथ कफ खांसी के साथ कफ आता है तथा दूसरा इसका यह लक्षण है कि यह व्यक्ति धीरे धीरे व्यक्ति कमजोर हो जाता है। व्यक्ति को भूख नहीं लगती है शरीर का वजन तेजी से घटता है शरीर का वजन तेजी से घटने लगता है। इसके इस रोग के से बचने के लिए सबसे जरूरी है कि संक्रमित व्यक्ति अर्थात रोगी के बचाव के उपाय क्या हैं? बचाव के उपाय ये हैं कि संक्रमित व्यक्ति के कपड़ों बर्तनों बिस्तर तथा अन्य उसके किसी भी प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसी प्रकार की वस्तु का शेयर उसे नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति संक्रमित है तो उसके लिए पूरी व्यवस्था उसका रहना उसका खाना और उसके कपड़े उसके बर्तन परिवार के अन्य सदस्यों के से अलग होना चाहिए बिल्कुल एकदम अलग और उनके वस्त्रों को गर्म पानी इत्यादि से साफ करना धोना चाहिए ताकि अन्य व्यक्तियों को संक्रमण की स्थिति न होने पाए। बच्चों में संक्रमण होने की संभावना ज्यादा रहती है। इसके लिए इसका इलाज क्या है कि बच्चों में डीपीटी
BCG का टीका लगाया जाता है बच्चों में। BCG का टीका लगाया जाता है तथा रोग होने पर इसकी जांच कराने के बाद अब इसका उपचार भी संभव है, इलाज भी संभव है। यदि शुरुआती स्थिति में पता चल जाता है तो ये रोग आसानी से ठीक किया जा सकता है और व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है। इसके लिए सीएनजीड्स तथा कुछ अन्य प्रकार की औषधियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे बताया गया था कि इसके बचाव के लिए बीसीजी का टीका बच्चों को लगाया जाता है। बीसीजी का मतलब है बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन, इसका पूरा नाम है बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। इस रोग में सबसे ज्यादा फेफड़े प्रभावित होते हैं अर्थात लंग्स प्रभावित होते हैं और जिसके कारण व्यक्ति का चेस्ट भाग अंदर की ओर धस जाता है, शरीर दुबला पतला हो जाता है, ठीक है। और ऐसे व्यक्तियों के छींकने खांसने इत्यादि से ये जीवाणु वायुमंडल में पहुंचकर अन्य व्यक्तियों को भी संक्रमित कर देते हैं, इसलिए जिसके कारण इस रोग को फैलने में आसानी हो जाती है। और ये जो जीवाणु इसके हैं ये क्षणमा होते हैं और अचल होते हैं। फेफड़ों में पहुंचने पर इनमें क्या होता है, इनके चारों ओर एक कैल्शियम का आवरण बन जाता है जिन्हें कहते हैं गुलिकाएं या ट्यूबरसेस। क्या कहते हैं? ट्यूबरसेस या गुलिकाएं, ट्यूबरसेस, इन्हीं को कहते हैं गुलिकाएं। इन ट्यूबरसेस में अर्थात गुलिकाओं में इनका प्रतिरोध भवन होता रहता है और इनकी संख्या बढ़ती जाती है। धीरे धीरे ये फेफड़ों की कोशिकाएं नष्ट कर देते हैं और व्यक्ति गंभीर, अत्यंत गंभीर हो जाता है, जिससे कि यदि उसका उपचार समय से न कराया जाए तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। साथ में एक है आइसोनिजिड, एक ये भी औषधि उपचार में प्रयोग की जाती है, लेकिन ये औषधि सिर्फ प्रारंभिक अवस्था में ही लाभदायक है, अत्यधिक संक्रमण होने पर यह औषधि लाभदायक नहीं है। तो इसी के साथ अगला जो रोग है जीवाणु द्वारा, जिसका नाम है धनुबाई। इसको टेटनस कहते हैं। यह रोग भी जीवाणुओं द्वारा होता है और इस रोग के जीवाणु का नाम है क्लास्ट्रीडियम टेटनाई। जितने भी रोग आप पढ़े उनके जीवाणुओं के नाम आपको जरूर याद होने चाहिए, तभी आप इसका आगे वर्णन कर पाएंगे। तो क्लास्ट्रीडियम टेटनाई का मतलब है इस जीवाणु का नाम है जिसके द्वारा टेटनस रोग या धनुकबाई रोग, ये तो बहुत ही पुराना नाम है, ज्यादातर लोग इसको टेटनस के नाम से जानते हैं। अब इस रोग के लक्षण क्या हैं, यह रोग कैसे फैलता है? सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि टिटनस के बैक्टीरिया, इसके जो बैक्टीरिया हैं, वे सॉइल अर्थात मृदा में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? मृदा में उपस्थित रहते हैं। जब किसी व्यक्ति को कभी कोई व्यक्ति कट जाता है लोहे से या कभी लकड़ी लग जाती है या कोई कंकड़ पत्थर इत्यादि लग जाने से शरीर पे घाव हो जाता है, तो इसके जीवाणु
जो मृदा में होते हैं उस घाव के माध्यम से शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और शरीर में पहुंचकर ये अपना प्रभाव दिखाना शुरू करते हैं। इस रोग को दूसरा इसका नाम एक और है जालाभ जा या लाभ जा। अर्थात इस रोग में जबड़े जो है जबड़े की मांसपेशियां अकड़ जाती हैं, इसमें जबड़े खुलते नहीं है। इसके पश्चात क्या होता है देखिए, इसके अतिरिक्त अभी भी और जंग लगे हुए लोहे से ये रोग आसानी से और बहुत जल्दी से फैलने के इसके चांसेस रहते हैं। फिर भी कभी भी यदि व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट लगती है लकड़ी से कांच से कंकड़ पत्थर इत्यादि से तो उसे तुरंत ATS का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। ATS का मतलब है एंटी टेटनस सीरम, एंटी टेटनस सीरम। ये इंजेक्शन लेने से ये जीवाणु नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति टेटनस रोग से आसानी से बच सकता है। किसी प्रकार की लापरवाही नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति लापरवाही करते हैं या इंजेक्शन नहीं लगवाया तो ये जीवाणु उसमें संक्रमण के कारण ये टेटनस रोग उत्पन्न कर देता है। अब इस रोग के लक्षण क्या है कि सबसे पहले मैंने बताया कि शरीर में अकड़न अर्थात मांसपेशियां अकड़ जाती हैं और जबड़े भी जबड़े की मांसपेशियां जकड़ जाती हैं और व्यक्ति का मुंह नहीं खुल पाता है, इसीलिए इस रोग को जालाक भी कहते हैं। इसके लिए व्यक्ति को इसके जीवाणु विपरीत परिस्थितियों में अंतः बीजाणु बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अंतः बीजाणु, जिसे कहते हैं इंडोस्पोर। यह जीवाणुओं के शीर्षस्थ भाग से इनका निर्माण होता है अर्थात अग्रिम भाग सिरे से इन इंडोस्पोर्स या अंतः बीजाणुओं का निर्माण होता है, जिसमें ये विश्राम अवस्था में काफी बहुत दिनों तक सुरक्षित रहते हैं और इनकी संख्या अंदर ही अंदर बढ़ती रहती है और ये नष्ट नहीं होते, इनके ऊपर एक प्रकार का आवरण बन जाता है। इस प्रकार जब भी ये किसी व्यक्ति के शरीर में पहुंचते हैं घाव या अन्य के माध्यम से तो वहां पर ये अपना संक्रमण प्रारंभ कर देते हैं और व्यक्ति को टेटनस नामक रोग हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग वीडियो को देखें, समझें, लाइक, यदि समझ में आया तो उसे लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद।